देसी एग्रो में आपका स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं सरल मैग्नीशियम सल्फेट 9.6%। ये एक दवा है जिसका इस्तेमाल करके अगर आपकी फसल पीली हो रही है, आपकी जो नर्सरी वो पीली हो रही है, तो उसमें इसका यूज़ करेंगे तो वो पीली या लाल हो रही है, पत्तियां जैसे लग रहा है जल रही हैं, तो उसमें इसका यूज़ करेंगे अगर आप, तो वो सही हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे लिखा हुआ है कि फसल में पीला पड़ने से बचाता है, यूरिया के साथ मिलाकर डालें। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं और किन किन फसलों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फसल लिखा हुआ है और प्रयोग की मात्रा लिखा हुआ है। तो प्रयोग की मात्रा देख सकते हैं, इसमें लिखा है 5 से 6 किलो प्रति एकड़ मिट्टी अथवा यूरिया के साथ मिलाकर डालें। अब बुआई की तैयारी के समय और फसल की बुआई या पौधरोपण के 15 से 20 दिन के पश्चात प्रयोग करें, ये लिखा हुआ है। मतलब आपने रोपाई कर ली है या नर्सरी डाल ली है, संडा डाल लिया, तो उस टाइम पे इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी फसलों के लिए है ये, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करके देख सकते हैं अगर पीली पड़ रही है या लाल पड़ रही है पत्तियाँ तो। और ये आपको 1 किलो का पैकेट मैं दिखा रहा हूँ, ये मार्केट में आपको पड़ जाएगा 50 से 60 रुपये के आसपास पर केजी के हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएगा। और अगर इसके जो क्वांटिटी की बात करें, जैसे 5-6 किलो प्रति एकड़ बोल रहा है, तो जैसे अगर किसी को कम डालना है तो ये मान के चलो कि एक बिस्सा के आसपास, एक बिस्से में आपका करीब 150 ग्राम के आसपास ये मटेरियल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। औसत मैं आपको बता रहा हूँ, इससे किसी को कम यूज़ करना है तो वो इसका यूज़ कर सकता है। तो इससे अगर आपकी फसल पीली हो रही या जली हुई लग रही है फसल आपकी देखने में, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये एक प्रोडक्ट कारगर आपके लिए हो सकता है। अगर किसी भाई ने इसको यूज़ किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको सरल दिखाता हूँ, सरल कैसा होता है। लो भाई ये देखिए, ये वाइट कलर। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देसी एग्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।